morning, every student. I am Madhu Srivastava. I teach you computer. Dear students, we will start to our chapter 4. Chapter 4 is how is computer different from other machines? How is computer different from other machine? Computer आपके other machine से different कैसे है? आप ये जानते हैं कि what is computer? Computer an electronic machine. Computer एक electronic machine है. Do so many different type of work. जो different type के works को कर सकता है. But today we will know about how is computer different from other machine. Do you know that computer is the only machine the world which is made to do so many different types of work? आप सब ये जानते हो कि computer एक machine है. Computer सिर्फ एक machine है जो विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए यूज किया जाता है. कंप्यूटर एक मशीन है जो विभिन्न तरह के कार्य को कर सकता है. बट अदर मशीन जो होता है वो क्या होता है? वो सेम एक ही वर्क कर सकता है, वो अदर वर्क नहीं कर सकता है. लाइक एज फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर कैन स्टोर कमांड्स गिवन बाय अस. कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स को स्टोर कर सकता है. बट रेफ्रिजरेटर हुआ आपका, रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर आपका फ्रिज, और इसके अलावा कैलकुलेटर है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे आप वर्क करते हो, वो अदर वर्क नहीं कर सकते. वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही वर्क कर सकता है. जैसे फ्रिज सिर्फ अपना वर्क कर सकता है, वो सिर्फ पानी को ठंडा करने का वर्क करता है. फैन सिर्फ अपना वर्क कर सकता है, और साथ में कैलकुलेटर भी अपना ही वर्क कर सकता है, वो कोई अदर वर्क नहीं कर सकता है. टीवी है, जैसे टीवी अपना वर्क करता है, टीवी आपका और उसके अलावा कोई डाटा स्टोर करने का वर्क नहीं कर सकता है. लेकिन कंप्यूटर क्या है? प्रिंटर है, प्रिंटर भी अपना ही वर्क करता है. तो ये सारे डिवाइसेस जो अदर डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क कर सकती हैं, वो दूसरे टाइप का कोई भी वर्क नहीं कर सकती हैं. लेकिन ये क्या है कि ये विभिन्न प्रकार के वर्क कर सकता है आपके साथ, अदर टाइप के भी वर्क कर सकता है और आपके साथ ये भी करता है. जैसे फैक्स मशीन है, टेलीफोन है, ये सब सिर्फ सिंगल वर्क करते हैं. फैक्स मशीन प्रिंटिंग निकालने का वर्क करेगा, टेलीफोन आप फोन कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपके सारे वर्क को एक साथ कर सकता है. जैसे फैक्स मशीन सिर्फ फैक्स निकालने का वर्क कर सकता है, वो कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकता है, वो आपकी गलतियों को आपको बता नहीं सकता है, वो थक जाता है कि नहीं थकता है, क्या करता है वो आपको बता नहीं सकता. लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी नहीं बताता, बट कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड आर बोर. कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता कि हमें बोरियत महसूस होती है. आप वर्क करते करते कहते हैं बहुत बोर हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, बट कंप्यूटर आपसे कभी भी ये चीज़ नहीं करता कि मैं थक गया हूँ या बोर हो गया हूँ. क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा दिए गए जो भी कमांड्स होते हैं वो उसे स्टोर करता है और उस पर वर्क करता रहता है. कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए जो भी फॉलो होते हैं उसे, उस कमांड को, जो भी आपके द्वारा दिए गए कमांड्स होते हैं उसे वो फॉलो करता रहता है. डिफरेंट में आप देखेंगे कि जो भी जितनी भी सारी मशीनें हैं सब सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क करती हैं, जबकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं. जैसे कंप्यूटर इज ओनली मशीन, एक मशीन है विच कैन स्टोर कमांड्स गिवन बाय अस एंड फॉलो देम. वो हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स को करता है, फॉलो करता है और वर्क करता है.
can't tell us our mistake. कंप्यूटर हमारी गलतियों को मुझे बताता है. कंप्यूटर कैन नेवर डू ए मिस्टेक्स. कंप्यूटर जल्दी मिस्टेक्स नहीं करता है. कंप्यूटर मिस्टेक्स तभी करता है जब हमारी इंफॉर्मेशन, जब हमारी इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग होती हैं, हमारे द्वारा दिए गए कमांड्स रॉन्ग होते हैं, तो भी कंप्यूटर रॉन्ग करता है. वरना कंप्यूटर यदि अगर हम जो भी कमांड्स देते हैं यदि राइट देते हैं तो कंप्यूटर कभी भी उस कमांड्स को फॉल्स नहीं करता है, रॉन्ग नहीं करता है. तो कंप्यूटर कैन नेवर डू एनी मिस्टेक्स. कभी कोई गलती नहीं करता है और कंप्यूटर हमारी गलतियों को भी हमें बता सकता है आसानी से. तो बच्चों हम इस तरह से ये देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर बहुत ही एक छोटी सी मशीन है, बट वो डिफरेंट अदर मशीन, लेकिन अदर मशीन से बहुत ही अलग है क्योंकि मेनी वर्क कर सकता है. वो आपकी कैलकुलेटर का भी वर्क कर सकता है, फैक्स मशीन का भी वर्क कर सकता है, प्रिंटर का भी वर्क कर सकता है. कोई भी यदि आपको प्रिंटिंग करना है तो उसे करें आपके साथ वो पेंटिंग का भी वर्क कर सकता है, आप जिस पर ड्रा कर सकती हो. तो आपको कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि ईजी वे में एक साथ कर सकता है. और बहुत सारी जगह पर भी कंप्यूटर का यूज़ इसीलिए किया जाता है, जैसे बैंक में है अकाउंट मेंटेन करने के लिए किया जाता है. आप अपने होम पे हैं तो होम पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो करते हैं. इस तरह से आपका कंप्यूटर बहुत डिफरेंट है और अदर मशीन से. तो स्टूडेंट्स आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा और अंडरस्टैंड आप समझिएगा. लर्न एंड राइट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. यहाँ हमने भी जो पॉइंट्स नोट कराए हैं इस पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में डू द राइट इन योर बुक एंड लर्न. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. थैंक यू.